नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। रीवा में कोरोना संक्रमण जहां एक और तेज़ी से फैलता चला जा रहा, वहीं दूसरी ओर यहां के बच्चों को नीट परीक्षा के लिए प्रदेश के या यूं कहें देश के विभिन्न हिस्सों में भेजे जाने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी। यहाँ पर बसों का काफिला जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि यहाँ से बच्चों को लगातार भेजा जा रहा। हमारे साथ इसी मसले पर बात करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे कितने बच्चों को और कहाँ कहाँ भेजा जा रहा। हमारे आज जबलपुर में जो बच्चे रजिस्टर थे वो लगभग 600 रजिस्टर थे, उसके विरुद्ध 240 छात्र बस से रवाना हो रहे हैं और उनके साथ 157 अभिभावक हैं। इस प्रकार से 397 जो छात्र और अभिभावक मिला के जबलपुर जा रहे हैं। प्रत्येक बस में 25-25 लोग लगभग हैं। एक सीट 52 सीटर बस है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई गई है। इलाहाबाद के लिए जो बस जा रही है उसमें 12 बच्चे और 9 अभिभावक, 21 लोग हैं। इस तरह से एक बस इलाहाबाद के लिए है और 13 बस जबलपुर के लिए जा रही है। 13 बस जबलपुर के लिए, एक बस इलाहाबाद के लिए। सर, एक बड़ा सवाल यह भी है, जिस तरीके से आपने कोरोना संक्रमण के दौरान खास तौर से इस बात का ख्याल रखा कि एक बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, उसी तरीके से वहां पर उनके रुकने और खाने का भी क्या शासन इंतजाम कर रहा या उनको अपने से ये व्यवस्था करनी पड़ेगी? शासन द्वारा ये निर्देश है कि चूँकि परिवहन की व्यवस्था में बच्चे को परेशानी हो सकती थी, इसलिए केवल हमको परिवहन की व्यवस्था करना है और एक पब्लिक प्लेस ऐसा जहां पर बसें खड़ी हो सकें, वहां निर्देश दिया गया है कि बसें खड़ी रहेंगी। बच्चे लोकल कन्वेंस का उपयोग करके अपने जैसी सुविधा होगी उस सुविधा के अनुसार, क्योंकि इस समय कहीं एक जगह पर ठहराना उचित नहीं है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए बच्चों को अपने अपने हिसाब से रुकना है। बच्चों को अपने हिसाब से रुकना है। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, ये नीट है क्या? हम आप ही से समझते हैं, ये नीट है क्या सर? नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, ये टैलेंट टेस्ट मेडिकल का है। मेडिकल चिकित्सा विभाग के लिए यह टेस्ट होता है, उसकी तैयारी बच्चे बहुत लंबे अरसे से करते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से कभी ये तय किया जा रहा था कि परीक्षा हो या ना हो, अंततः शासन ने निर्णय लिया परीक्षा होगी और उसके आने जाने का इंतजाम शासन स्वयं करेगा। उसी के उपलक्ष में ये पूरी तैयारी की गई थी, यहाँ से बसों को रवाना किया गया। अब परीक्षा के बाद ये बच्चे इसी बस से वापस आएंगे। नीट परीक्षा देने के लिए शासन के इंतजाम के तहत बच्चे जा रहे हैं परीक्षा देने। हम उन्हीं से बात करते हैं वो कौन सी परीक्षा देने और कहाँ जा रहे हैं। कौन सी परीक्षा देने और कहाँ? नेट की परीक्षा देने जबलपुर जा रहे हैं। आप? मैं इनका भाई, उनके साथ में जा रहा हूँ। जी, जबलपुर। ये नेट की परीक्षा क्या है? सर, ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि हम नेशनल लेवल पे होती है और हम इसी के लिए जा रहे हैं जबलपुर नीट की परीक्षा देने। शासन द्वारा नीट परीक्षा देने के लिए बच्चों को और उनके अभिभावकों को भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई। लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे रीवा से जबलपुर, प्रदेश के अन्य शहरों में इंदौर, भोपाल, इलाहाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इस कितने बच्चे थे, कहां कहां परीक्षा देने गए, पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास एसडीएम रीवा, जो एसडीएम इस समय जो इस पूरे उसकी निगरानी कर रहे हैं, राहुल नायक जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कितने बच्चे और कहां कहां आपने भेजा। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के पालन के अनुसार रीवा ज़िले से नीट परीक्षा में अभ्यर्थी जो थे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, इलाहाबाद आदि शहरों में परीक्षा केंद्रों के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। शासन के निर्देशों के पालन के अनुसार कल और आज दो दिनों में हमने
553 बच्चों अभिभावकों के समेत इन चारों केंद्रों में बसों के माध्यम से हमने उनके परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। लगभग आधे बच्चे परीक्षा देने के लिए रवाना हो चुके हैं, बसें खड़ी हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं। तो जिस तरीके से सर, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आधे बच्चे अभी परीक्षा देने नहीं गए, अभी ऐसा लगता है कि आ सकते हैं क्या या कुछ हो? देखिए, पोर्टल तो क्या है कि परीक्षा के एक दिन पहले तक उपलब्ध रहेगा, लेकिन अब ऐसे संभावना रहती है क्योंकि लोक परिवहन जैसे कि बसें, टैक्सी और ट्रेनों की सुविधा शासन ने उपलब्ध करा दी है, तो संभवतः ये बच्चे जो हैं शेष बच्चे उस साधन से चले गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर कोई बच्चा यहाँ पर आता है तो शासन के द्वारा उसकी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू सर बात करने के लिए, न्यूज़ नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बस खाली है, प्रशासन की पूरी तरीके से तैयारी है, कोई भी अगर बच्चा आएगा तो वो उसको परीक्षा दिलाने के लिए ज़रूर भेजेंगे, लेकिन ऐसा माना जा रहा परीक्षा कल है, बच्चे अपने साधन से भी परीक्षा देने जा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।